मैं उसे प्यार आपका स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं आपको बताऊंगी कटहल की रसेदार सब्जी। आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 तेजपत्ता, दालचीनी, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2 चम्मच लिया मैंने गरम मसाला, 2 चम्मच मैंने लिया लाल मिर्च, 1 चम्मच लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लिया मैंने हल्दी, हरा धनिया लिया है मैंने काट के और नमक स्वादानुसार। इसके लिए मैंने लिया है 1 अनियन, गार्लिक की कली और 4 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। 4 चम्मच लिया है मैंने सरसों तेल, इसे सरसों के तेल में बनाओ तो अच्छा स्वाद आता है, आप इसकी जगह रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। और 2 प्याज को मैंने काट लिया है और 2 टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 200 ग्राम मैंने लिया है कटहल, इसे मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है, 2 सीटी लगाया है मैंने कुकर में। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम कटहल डालेंगे। तो मैंने कटहल डाल दिया और इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से मीडियम आंच पे। कटहल को थोड़ा फ्राई कर लेने से कटहल की सब्जी का स्वाद अच्छा आता है। कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। कटहल ऑलरेडी मैंने उबाला हुआ है तो इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। कटहल मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसी कढ़ाई में बाकी बचा हुआ ऑयल डालेंगे। कटहल की सब्जी में थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। हमारा भून गया, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब हम इसे 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से पक जाए। इसे हम 20-20 मिनट चलाते ही रहेंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे, 2 मिनट तक लगेंगे। अब हम ये मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसमें अनियन, गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया, अब हम इसमें कटहल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
कटहल डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप कच्चा कटहल यूज कर रहे हैं यानी कटहल को आपने उबाला नहीं है तो आप यही प्रोसेस कुकर में कर सकते हैं ताकि कटहल अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितना रसेदार सब्जी बनाना है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई है तो हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। 1 कप पानी लिया मैंने यहाँ पे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम रसेदार वाली सब्जी चाहिए तो आप इसे सुखा सकते हैं। और अब हम इसमें धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे और हमारी ये कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये कटहल की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।